You know, actually, my career, I started learning about acting and, you know, the creative arts through Gujarati theater. Really? Yeah. I was Avantar naam ka ek theater group tha, jiske saath maine kaam shuru kiya. Ji. Aur ye tab ki baat hai jab main college mein tha. Ji. 11th and 12th. तो अवांतर जो है ज्यादातर गुजराती प्लेस करते थे, एक आध हिंदी में भी करते थे, लेकिन ज्यादातर उसके डायरेक्टर थे महेंद्र जोशी. okay. और एक बहुत ही फेमस प्ले था हमारा खिलैया. हाँ. जो बहुत ही कामयाब हुआ था, म्यूजिकल था वो. और जब मैं पहले जुड़ा अवांतर के साथ तो मैं बैक स्टेज करता था, लोगों के लिए चाय लाना, इस्त्री करना, कपड़ों के लिए ड्रेस रेडी करना, प्रॉपर्टीज लाना, झाड़ू वाड़ू मारना, साफ करना. तो मैं बैक स्टेज मैंने 1.5 साल किया खिलैया के लिए और भी जो प्लेस वो करते थे उसके लिए. और मुझे पहला मौका मिला एक्टिंग का वो गुजराती में था. और उसकी वजह ये थी कि आप लोग देवेन भोजानी को जानते हैं जी. तो देवेन जी भी हमारे ग्रुप में थे और हम लोग एक प्ले कर रहे थे केसर बीना, जिसमें देवेन जी थे, आतिश कपाड़िया, विपुल शाह जो अभी डायरेक्टर हैं, विपुल शाह थे, मकरंद देशपांडे थे. तो महेंद्र जोशी डायरेक्टर थे और देवेन चार दिन पहले मैं बैक स्टेज कर रहा था. तो देवेन ने आके कहा कि उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गया, वो शो नहीं कर पाएगा. और वो हमारा पहला शो था, वी वर ओपनिंग अ न्यू प्ले. तो ही सेड कि मेरा प्रॉब्लम है जोशी को, उसने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा. और मैं 1.5 साल तक बैक स्टेज कर रहा था इस उम्मीद से कि मुझे कभी एक एक्टिंग का चांस मिलेगा, कभी मुझे डायरेक्टर बोलेगा हाँ यार तू ये रोल कर ले. तो देवेन का ये प्रॉब्लम आ गया तो महेंद्र जोशी ने विपुल को बोला, इसको लाइन से कहा आमिर को. अच्छा, 4 दिन रह गया था फर्स्ट शो, 4 दिन में हम लोग ओपन कर रहे थे प्ले. तो 4 दिन में मुझे गुजराती के लाइन सीखने थे, जो मैं, मेरी भाषा नहीं है. मैंने कभी उस वक्त मैं गुजराती थोड़ा बहुत समझ लेता था, क्योंकि हम इतने गुजराती प्लेस करते थे और गुजराती जो हिंदी के काफी आसपास है. तो आई हैड टू लर्न माय लाइंस, मेरी लाइंस मैंने सीखी. मुझे क्यूज लर्न करने थे क्योंकि कब मुझे रिस्पॉन्ड करना है, इतना फास्ट बोलते हैं वो गुजराती में. तो आई हैड टू बी वेरी अलर्ट, हैड टू लर्न द लाइंस ऑफ द अदर एक्टर्स, आई हैड टू लर्न माय लाइंस, एंड आई हैड 4 डेज. तो जो पहला मैंने एक्टिंग किया अपने लाइफ में थिएटर में, वो गुजराती प्ले में था. फिर तो बात पक्की, अब तो वापस देना पड़ेगा आपको गुजराती. तो आई एम हैप्पी, बल्कि मैं कॉलेज में था, मैंने एक, हां, यू रिमेंबर एनी लाइन फ्रॉम दैट? या ऑफ कोर्स आई रिमेंबर. व्हाई डोंट यू से? मैं बताऊं, एक्चुअली इससे भी पहले जब मैं कॉलेज में था तो एक मुझे हिंदी, इंटर कॉलेज हिंदी प्ले में मैंने ऑडिशन करने गया, तो वहां मैं फेल हो गया, टोटली आउट. तो मैंने सोचा यार अभी क्या करें, तो नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा गुजराती के लिए भी कास्टिंग चल रही है और गुजराती में उनको कोरस चाहिए था. अब गुजराती में बोलता नहीं तो मुझे पता है कि मेन एक्ट रोल्स तो मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन कोरस में तो मिलेगा. तो मैंने वहां गया रिहर्सल्स के लिए कोरस में, और मुझे कोरस में सेलेक्ट किया. 30-40 हम लड़के थे. तो वो भी एक म्यूजिकल था, शॉर्ट वन एक्ट प्ले था. उसमें एक गाना था हमारा, अमे रंगारा चाहिए, अमे रंगारा चाहिए, क्यों तो हमें तमारा काट जानी कोरू ने रंगी ने दहिए. नीचे हम लोग ब्रिज पे हमेशा रहते हैं, तो एक किसी की कुछ शादी का न्योता आता है या किसी की शादी फिक्स हो जाती है, तो इस मुझे जो मेरा कैरेक्टर था वो बोलता है, आपने तो अपने तो कोई पेंट तो नहीं, एनी माने कुतरा पेंट है. नो वन मैरीज मी, आई विश हिज मदर मैरीज अ डॉग.